गाइज, दिस इज मिताली। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइज, किसी ने कहा है कि नया साल सपने दिखाता है और पुराना साल आईने दिखाता है। तो आईना तो हम देख चुके हैं गाइज, और अब बारी है सपने देखने की। तो हम आए हुए हैं पिकनिक जलहरी घाट। अभी गाड़ी पार्क की जा रही है, उसके बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ लोकेशन पर। तो गाइस, आज से शुरुआत होती है नए सफ़र की, नए सपनों की। और सपने नहीं देखोगे गाइस तो उसे पूरा कैसे करोगे? इसलिए सपने देखना कभी भी बंद नहीं करना है, और उसे पूरा करने की हमेशा कोशिश करनी है। तो चलिए अभी हम चलते हैं लोकेशन पर, मेन लोकेशन पर, जहां पर हम बैठकर मस्ती करेंगे, मजे करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले करेंगे हम सब मंदिर में भगवान जी के दर्शन। चलिए मंदिर के अंदर, और आपको करवाते हैं भगवान जी के दर्शन। और एक छोटा सा मेला लगा हुआ है गाइस, क्योंकि ये गांव बहुत छोटा सा है, तो उस हिसाब से ये मेला काफ़ी अच्छा है। छोटा सा मेला लगा हुआ है, छोटी छोटी सी चीज़ें मिल रही है, टॉयज़ है, और देखने में ये बहुत अच्छा कलरफुल सा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। उसके बाद अब हम पहुंच रहे हैं जलहरी घाट के लिए। तो चलिए नीचे गाइस, हम पहुँच चुके हैं जलहरी घाट, और देख सकते हैं आप चारों तरफ सभी पिकनिक मनाने आए हैं, और कुछ लोग यहाँ पर खाना बना रहे हैं। खाना बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस, लेकिन हम खाना नहीं कर रहे। हाँ दी। और अब हम पत्थरों के सहारे नदी क्रॉस करेंगे। मेरा तो उधर मन है, रुक मम्मी पकड़ के ला रही, मैं तो पकड़। गाइस, ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती जहाँ मैं ना गिरूँ। मैं गिरूँ ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ भी फिसल गई। गाइस, सही टाइम पर कैमरा मेरी तरफ से हट गया, नहीं तो मैं गिरते हुए और फिसलते हुए आप सबको दिख जाती। मम्मी धीरे से रखो पैर। रजनी दी, आराम से खिलाड़ी वाली फीलिंग्स आ रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम स्टंट कर रहे हैं। गाइस, यहाँ के पत्थर बहुत ज़्यादा स्लिपी हैं। हाँ, कूद रहे ऊपर से। हाँ, फाइनली हम नदी क्रॉस कर कर आ चुके हैं इस तरफ, और देख सकते हैं हम कहाँ से हैं। दिख रहे हैं बस वहीं से नदी क्रॉस करते हुए आए, और बहुत मुश्किल था, बड़े बड़े पत्थर थे और बीच में बहुत बड़ा बड़ा गैप था, जिसमें आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। तो गाइस, चलते हैं अभी हम आगे, जहाँ पे सभी जा चुके हैं वहाँ अब हम जा रहे हैं। तो चलिए, और आप भी पिकनिक के मज़े लीजिए। गाइस, सभी जा चुके हैं वहाँ पे, और मुझे भी वहीं जाना है। अच्छा खासा स्पेस है वहाँ पे, प्लेन पत्थर है, और हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी सी, और वहाँ से आने में बहुत ज़्यादा गर्म भी लगा है गाइस। तो अब यहाँ पे ठंडी ठंडी जगह में हम जाके बैठेंगे और कुछ खाएंगे, क्योंकि हम इतने में ही थक गए। यहाँ पे एक छोटू सी नदी है, और यहाँ पे मछलियाँ भी दिखाई दे रही हैं।
बस लोगों ने नदी में गंदगी बहुत ज़्यादा फैला रखी है। हम वहाँ से आए हुए हैं और देखिए हमने पूरी नदी क्रॉस की है, उसके बाद हम यहाँ आए। नमेश कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? थक गया? कौन से मामा? कौन से मामा? मोहित वाले नहीं है बे, मोहित मामा है वो। और ये कौन है? कौन है? मीटू है। मीटू पीटू 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 है भी। मीटू बोलता मौसी को। खुले आसमान में नदी के बीचों बीच जिन पत्थरों पर मैं बैठी हुई थी गाइस, वहाँ से जो हवाएं मुझे छूकर निकल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ मुझसे कह रही हो। और मेरा मन कर रहा था बस शांत बैठकर उनकी बातों को समझने की कोशिश करूं। इन सुंदर पत्थरों पर बैठकर खुले आसमान के नीचे बीचों बीच नदियों के बीच फिर से एक नए साल के नए सपने देखे जिन्हें हमें पूरा करना है और कभी हार नहीं माननी। तो गाइस अभी हम आके यहाँ पे बैठे हुए हैं नदी के बीचों बीच, हम बैठे हुए हैं पत्थरों पर। गाइस इतने सुंदर लग रहे हैं पत्थर, पत्थर ही इतने सुंदर हैं गाइस कि किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं लग रही है। और चारों तरफ हरियाली, पानी ही पानी, और इतने लोग हैं गाइस आज यहाँ कि मज़ा ही आ गया। गाइस अगर आप छिंदवाड़ा में रहते हैं, हम परासिया से आए हुए हैं और परासिया से यहाँ 25-30 किलोमीटर पड़ा है हमें लहरी घाट। तो प्लीज़ यहाँ पर आइए और यहाँ के मज़े लीजिए, प्रकृति के मज़े लीजिए गाइस। और अब होगी केक कटिंग गाइस, हम केक लेकर आ चुके हैं और अब कटेगा केक। ये चलो बर्थडे बॉय, ये सो गाइस ये रहा हमारा केक। इस ये केक है हमारे नए साल के नए सफर का। तो चलिए हम सब साथ में मिलकर नए सफर की शुरुआत करते केक के साथ। तो गाइज यहाँ पर मैं अपने पुराने साल को भूलकर, जो हमने आईना देखा है उसे तोड़कर नए सपनों की ओर कदम रखने के लिए केक कट कर रही हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ, ताकि आने वाला साल जो है हमारा 2023 वो सबके लिए बहुत अच्छा हो। गाइस जहाँ भी पिकनिक मनाने जाएं तो वहाँ से अपना सारा कचरा उठाकर लेकर आएं, जो भी आप खाने के लिए डिस्पोजल लेकर जाते हैं, जो भी लेकर जाते हैं, तो आप इस तरह से रख कर लेकर आएंगे वापस। सफाई का पूरा ध्यान रखें। गाइस यहाँ पे कितनी गंदगी कर रखे हुए हैं लोगों ने, ये सारा कचरा यहीं फेंक कर गए हुए हैं, डिस्पोजल फेंक कर गए हुए हैं, तो ऐसा ना करें। ये तो पूरा क्या खाली है, हम लोग आए जब तक पूरा खत्म कर दी। केक भी रो रहा है क्यों? योगेश जीजू कहाँ गए, मुझे क्यों नहीं खा रहे हैं? लाइए, सफाई का ध्यान रखते हुए काम करेंगे हम। गाइस इतनी सारी मस्ती करने के बाद सभी को लग चुकी है भूख और हम घर से खाना लेकर आए हैं। हम लेकर आए हैं मेथी की पूड़ी, रोटी, बैंगन की सब्ज़ी, सेमी की सब्ज़ी, रायता, पुलाव और सैलेड। तो अभी ये इन्जॉय करते हैं और फिर से मस्ती करेंगे। इस टाइम जब पिकनिक जाएंगे तो चूल्हे में वहीं खाना बनाकर हम खाएंगे। जो खाना हम घर से बनाकर लेकर आए गाइस वो भी बहुत टेस्टी है। एक डॉगी आया और उसे भी हमने खाना खिलाया अपने साथ। इस अगर आप भी पिकनिक जाते हैं, खाना बच जाता है, तो प्लीज़ जो भी जानवर आसपास हो उन्हें खिला दीजिए। खाना खाने के बाद मैं आ गई फिर से नदी के बीचों बीच और मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। बस शांत बैठे रहो, पानी को देखते रहो और पानी पे जो परछाई नज़र आती है ना, पेड़ पौधों की, आसमान की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करती, बस बैठ कर ना शांत पानी में देखती रहती हूँ और इंजॉय करते। गाइस पानी में हमेशा आपने ध्यान दिया होगा, बहुत सारी परछाई बनती है, बहुत कुछ बनता रहता है। और मैं कोशिश करती हूँ, मैं देखती हूँ कि यार पानी में क्या बन रहा है, कौन सा कौन सी चीज़ नज़र आ सकती है, वैसा कुछ मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे हम बैठने के बाद फिर निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं हिंगलाज मंदिर। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, अगर आपने हिंगलाज मंदिर वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए गाइस। उसके बाद वहाँ का मेला भी घूमना है हमें हिंगलाज मंदिर का, तो इसके लिए हम निकल चुके हैं यहाँ से।
गाइस रास्ते में हमें दिखी पानी पूरी, और खाना खाने के बाद भी पानी पूरी तो कोई भी खा ही सकता है गाइस। तो फिर हम पानी पूरी खाने के लिए रुक गए। अभी इंजॉय करते हैं हम यहाँ की पानी पूरी, और ये भी बहुत टेस्टी बनाए थे भैया। सभी ने इंजॉय किया पानी पूरी। किस किस के मुंह में पानी आया गाइस पानी पूरी को देखकर, इसका भी मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। मैं सूखी एक प्लेट बना दीजिए। और पानी पूरी खाते ही गाइस मैं पहुंच के चाय पी लेती हूं, क्योंकि चाय मैं नहीं छोड़ सकती। लो 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 लीजिए सतना माटो चाय वाला जो चाय 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 मम्मी दी, मेरी और रजनी दी भी रख लो। बनेगा कि नहीं रखते यार। गाइस चाय के साथ मेरा अलग ही प्यार है, मुझसे चाय नहीं छूटती। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इस साइड में बेल बटन है उसे भी प्रेस कीजिए। बाय गाइस।